दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पर सुनवाई चल रही है। आज अदालत में दोनों पक्षों ने अपनी दलील दी। सीबीआई ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए, कहा कि उनकी जानकारी में शराब नीति में बदलाव किया गया। सीबीआई ने यह भी कहा कि केजरीवाल साजिश का हिस्सा हैं। वहीं केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई के आरोपों का विरोध करते हुए कहा कि एजेंसी के पास कोई साक्ष्य नहीं। संजय शर्मा हमारे संवाददाता अदालत के बाहर से मौजूद हैं। संजय, सुनवाई की कोई जानकारी अंदर से मिल पाई है? कहां तक अभी सुनवाई पहुंची है और आज क्या क्या होने की संभावना? भोजनावकाश के बाद अब सुनवाई फिर आगे बढ़ रही है, तो ऐसे में भोजनावकाश से पहले 11 बजे से लेकर 1 बजे तक जो सुनवाई हुई है उसमें सबसे पहले, चूंकि याचिकाकर्ता को पहले मौका दिया जाता है, अरविंद केजरीवाल की तरफ से डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दी और उनका यह कहना था कि जो टाइमिंग है वो बिल्कुल गलत है। जिस समय ईडी की तरफ से उनको जमानत मिल चुकी थी, सिर्फ रिहाई के आदेश पर अंतरिम जमानत पर अमल होना था, उस समय सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया है, जबकि 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया था। जी, समय खत्म हो गया लगता है। नहीं, बात पूरी कीजिए, जल्दी संक्षेप में कर दीजिए। हाँ, तो उस समय अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि गिरफ्तारी गलत समय पर हुई है, जबकि सीबीआई की तरफ से कहा गया कि गिरफ्तारी कोई ऐसे समय पर नहीं हुई है, सोच समझ कर नहीं हुई है, क्योंकि पहले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं थे, उड़ती सी बातें थी, गवाहों के एक दो लोगों के बयान थे, लेकिन बाद में हमारे पास पुख्ता सबूत मिल गए हैं और उन सबूत मिलने के बाद तब हमने उनका सैंक्शन लिया है, तब गिरफ्तारी की है। क्योंकि एक समय ऐसा था जब गिरफ्तारी के हम बिल्कुल नजदीक थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत चुनाव के लिए दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा और उसे ध्यान में रखते हुए हमने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन जब उसका समय समाप्त हो गया, इसके बाद समय सही जानकर सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। लिहाजा अरविंद केजरीवाल की याचिका रद्द करना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जिस 3 बार जमानत की बात कर रहे हैं उनमें 1 बार जमानत तो उन्हें चुनाव के लिए दी गई है, तो ऐसे में उनको अभी नियमित जमानत देने की या अंतरिम जमानत देने की जरूरत नहीं है। जब ये विरोध हुआ तो उस समय अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि उन्हें कम से कम अंतरिम जमानत ही दे दी जाए, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब ये देखते हैं कि आज उम्मीद लग रही है कि सीबीआई की दलीलें खत्म होने के बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से रिबेटल होगा, यानी प्रत्युत्तर दिया जाएगा, और उसके बाद बहुत संभव है कि आज सुनवाई पूरी हो जाए और फैसला रिजर्व हो जाए। बहुत धन्यवाद संजय शर्मा, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे।